नमस्कार। जन सरोकार मंच के इस संवाद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कवि जी धन्यवाद। महेश चंद्र पुनेटा साहब से। आप उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। आपकी अब तक 5-6 पुस्तकें प्रकाशित हुई है, जिसमें 4 तो कविता संग्रह है, भय अतल, पंछी बनती मुक्ति की चाह, समकाल की आवाज, अब पहुंची हो तुम। इसके अतिरिक्त आपकी पुस्तकें आई है दीवार पत्रिका और रत्नात्मकता, जिसमें शैक्षणिक अनुभव है, और शिक्षा के सवाल पुस्तक में शिक्षा संबंधित आलेखों का संग्रह। सबसे बड़ी बात यह है कि आप गांव गांव में पुस्तकालय खोल रहे हैं, चला रहे हैं, और हमारे तो दिल्ली में अभी सबसे बड़ा पुस्तक मेला लगा हुआ है, जिस जो अपने आप में भी एक पुस्तकालय ही है। तो आपकी जो पुस्तकें इस दिल्ली के जो प्रगति मैदान में पुस्तक मेला में लगी रखी हुई है, बिक्री के लिए रखी हुई है, उसके बारे में कुछ बताएं। जी हाँ जी, समय साक्ष प्रकाशन जो देहरादून में अपना प्रकाशन चलाते हैं, उनका एक स्टॉल इस बार विश्व पुस्तक मेले में भी लगाया गया है और ये पहली बार जी है। और इस स्टॉल उत्तराखंड के इतिहास, संस्कृति और विविध पहलुओं से जुड़ी हुई किताबें मौजूद हैं, और उसके साथ ही जो मुख्य धारा का साहित्य है उससे जुड़ी हुई पुस्तकें वह भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिसके प्रबंधक प्रवीण भट्ट जी हैं। तो यहाँ पर पिछले साल प्रकाशित मेरी किताब जो तीसरा कविता संग्रह है, अब अच्छा पहुंची हो तुम नाम से, वह भी मौजूद है, उपलब्ध है यहाँ पर। और यह जो शीर्षक है, यह शीर्षक उस कविता से लिया गया है जो काफी चर्चित रही है, ए सड़क अब पहुंची हो तुम गांव, जब सारा गांव शहर जा चुका है। सड़क मुस्कुराई, कितने भोले हो भाई, अभी जी रोड़ी बजरी खड़िया तो बची है ना, जी अभी रोड़ी बजरी खड़िया तो बची है ना। तो इस कविता से यह शीर्षक लिया गया है। पुस्तक मेले में पुस्तकों की बिक्री के बारे में, या क्या आपका पाठक के बारे में क्या रहता है, कोई सकारात्मक रहता है क्या? नहीं, एक अच्छा अवसर होता है ये कि देश भर से तमाम साहित्यकार, पाठक, साहित्य सुधी जन वहाँ पर आते हैं और अपनी पसंद की किताबें देख पाते हैं, उनको खरीद पाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि तमाम लोगों के साथ मिलने का एक अवसर होता है और बड़ी संख्या में किताबें बिकती भी हैं। तो ये बड़ा अच्छा आयोजन है, बहुत सारे लोगों को इसका इंतजार भी रहता है और तमाम प्रकाशक इस अवसर के लिए अपनी किताबों को प्रकाशित भी करते हैं। और ये एक टारगेट रहता है कि आने वाले फरवरी या जनवरी, फरवरी में विश्व पुस्तक मेला होगा और उसमें हम भी अपनी किताबें ले जाएंगे। ये प्रकाशकों के लिए भी एक अवसर होता है, तो एक अच्छा आयोजन है कुल मिला के मैं कहना चाहूंगा। और बल्कि इस तरह के आयोजन दूर दराज के क्षेत्रों में भी होने चाहिए, गांव क्योंकि महानगरों तक में तो होते रहते हैं, लेकिन जो रिमोट एरियाज हैं, चाहे वो राजस्थान के बिल्कुल सीमांत क्षेत्र हो या उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र, हमें लगता है उन स्थानों पर भी इस तरह के मेलों का आयोजन, भले ही वो 10 दिनों के न भी हों,
तो कम दिनों के आयोजन जरूर किए जाने चाहिए, और जहां देश भर से लोग आए, और इस बहाने उस क्षेत्र को जानने का अवसर भी होता है। तो मेरा तो यह कहना है कि इस तरह के मेले केवल महानगरों में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे क्षेत्रों में भी होने चाहिए। इनकी अपनी अहमियत है, उपयोगिता है इस तरह के आयोजनों की। जी इन मेलों में विमोचन भी होता है बहुत सारी पुस्तकों का। जी जी बिल्कुल, बहुत सारे किताबों का लोकार्पण भी इस अवसर पर होता है, वह भी एक अच्छी परंपरा है। एक किताब का परिचय हो जाता है पाठकों के साथ, जो नई किताबें उस अवसर पर आती हैं। होना तो यह चाहिए कि किताबों पर कुछ गहराई से बात हो, लेकिन वैसा हो नहीं पाता है। और मुझे लगता है कि इतनी सारी किताबें एक साथ आती हैं जो शायद उतने कम समय में संभव भी नहीं है, फिर भी उसी बहाने भी नई किताबों से परिचय जरूर पाठकों का होता है, दूसरे लेखकों को पता चलता है। और जहां फिर एक गंभीर चर्चा के लिए वहां पर लेखक मंच भी बना होता है, कुछ अच्छा किताबों पर उसमें विभिन्न आलोचकों के द्वारा, विभिन्न लेखकों के द्वारा चर्चा परिचर्चा भी की जाती है, तो अच्छा वो एक अलग मंच पर होता है यह सब कुछ। वैसे तो अधिकांश किताबों इसमें का जो विमोचन होता है वह प्रकाशकों द्वारा जो स्टॉल ली जाती है वहीं पर होता है, लेकिन जो स्टॉल वहां पर लगती हैं और जो उनका खर्चा है वो निश्चित रूप से बहुत अधिक है। एक छोटे प्रकाशक के लिए तो संभव नहीं है। बारे में जरूर विचार किया जाना चाहिए कि ऐसे भी कुछ कदम उठाए जाएं जिससे छोटे प्रकाशक भी अपनी किताबों को वहां पर ले जा सकें। जी आपकी कोई कुछ कविताएं सुनी है? ये जो जी 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 आपका जरूर संग्रह है, आप पहुंची हो तुम, उसकी कुछ कविताएं सुना है जो भी जी आपको धन्यवाद लगे कि सुनाई जा सके। जी। तो मैं अब पहुंची हो तुम कविता संग्रह से, इसकी पहली कविता है जो काफी पसंद की जा रही है। मैं यहाँ पर उन्हीं कविताओं को सुनाना चाहूंगा जो पिछले एक साल के अंदर जब पाठकों के पास यह संग्रह पहुंचा, उनके द्वारा जो समय समय पर मुझे प्रतिक्रियाएं मिलती रही हैं, जिन कविताओं को पाठकों द्वारा अधिक पसंद किया गया है, मैं उनका यहाँ पर पाठ करना चाहूंगा। तो ये मेरी इस संग्रह की पहली कविता है, अमर कहानी। न उस राजा के कारण, न पारदर्शी पोशाक के कारण, न उस पोशाक के दर्जी के कारण, न चापलूस मंत्रियों के कारण, न डरपोक दरबारियों के कारण, कहानी अमर हुई बस उस बच्चे के कारण जिसने कहा राजा नंगा है। कहानी अमर हुई बस उस बहुत बच्चे के कारण जिसने कहा राजा बढ़िया, ये काफी बहुत चर्चित बढ़िया, एक कहानी सुनी बहुत होगी आप सब लोगों बिल्कुल, ने, बहुत बिल्कुल, जिसमें सारे दरबारी जो हैं राजा की पोशाक की तारीफ करते हैं। एक पारदर्शी पोशाक राजा के द्वारा पहनी गई होती है, लेकिन उस दरबार में एक छोटा बच्चा भी था जो चिल्लाकर कह देता है कि राजा नंगा है नंगा है। तो आज भी उस बच्चे के ऐसा कहने के चलते वो कहानी सुनी और सुनाई जाती है। तो यही इस कविता में कहने की कोशिश की गई है। दूसरी कविता जो काफी पसंद की गई है उसका शीर्षक है जेरूसलम। तुम एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन धर्मों की पवित्र भूमि हो। तुम एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन धर्मों की पवित्र भूमि हो, फिर भी इतनी नफरत, इतनी अशांति, इतना खून। हे दुनिया के प्राचीन शहर, क्या कभी तुम्हें लगता है कि
पवित्र भूमि की जगह तुम काश एक निर्जन भूमि होते, काश एक निर्जन भूमि होते। बहुत बड़ी बात। एक और कविता, जो पहाड़ के पलायन की विभीषिका को दर्शाती है, पहाड़ी गांव। आज पहाड़ के गांव की क्या स्थिति हो चुकी है? यार मुझे लगता है शायद राजस्थान में भी जिन गांव से पलायन हो रहा होगा, शायद वहां भी ये चीज आप देख महसूस रहे होंगे। तो इसका शीर्षक है पहाड़ी गांव। पहाड़ी गांव यानी परदेश को जाते अपनों की विदाई में डबडबाई आंखें। पहाड़ी गांव यानी परदेश को जाते अपनों की विदाई में डबडबाई आंखें। पहाड़ी गांव यानी परदेश गए अपनों की याद में कलपता मन। पहाड़ी गांव यानी परदेश से लौटे अपनों की 2 दिन की खुशी में नाश्ता घर आंगन। पहाड़ी गांव यानी बिछो मिलन फिर बिछो। पहाड़ी गांव यानी बिछो मिलन और फिर बिछो। जी, एक कविता है प्रार्थना। बहुत जी, अच्छी कविता है। हमारे इस क्षेत्र से भी लोग पलायन करते हैं रोजगार के लिए, वापस आते जाते, मिलन पीछो मिलन यही चलता है। बहुत बहुत मार्मिक जी कविता है। जी अगली कविता का शीर्षक है प्रार्थना। विपत्तियों से घिरे आदमी का जब नहीं रहा होगा नियंत्रण परिस्थितियों पर, विपत्तियों से घिरे आदमी का जब नहीं रहा होगा नियंत्रण परिस्थितियों पर, फूटी होगी उसके कंठ से पहली प्रार्थना। फूटी चलिए होगी उसके कंठ से पहली प्रार्थना, विपत्तियों से उसे बचा पाई हो या नहीं प्रार्थना, विपत्तियों से उसे बचा पाई हो या नहीं प्रार्थना, पर विपत्तियों ने अवश्य बचा लिया प्रार्थना को। पर बहुत विपत्तियों ने अवश्य बहुत बचा लिया प्रार्थना को। बहुत अच्छा। और जी, जी, किनवा किनवा। एक पेड़ है जिसका, पहाड़ में पाया जाने वाला एक पेड़ है जो काफी उपेक्षित पेड़ है, जो इस कविता से भी शायद वो समझ में आ जाएगा उस पेड़ की जो विशेषताएं हैं। खिनुआ का पेड़ हूं मैं, तुम कहाँ पहचानोगे मुझे? खिनुआ का पेड़ हूं मैं, तुम कहाँ पहचानोगे मुझे? मैं नहीं दे सकता तुम्हें सरस स्वादिष्ट फल, नहीं बन सकता हूं तुम्हारी हवेली की दरवाजे खिड़कियों की चौखट, मेरे पास नहीं है चित्ताकर्षक और सुगंधित फूल जिन्हें सजा सको तुम अपने फूलदानों में। न मैं कोई पवित्र पेड़ हूं, तुम्हारे व्यवहार पर मुझे न आश्चर्य है न अफसोस, मैं अच्छी तरह पहचानता हूं तुम्हें। तपती दुपहरी बीच बीहड़ में भटकते को मैं दे सकता हूं गजिन छाया, ठंड में ठिठुरते की रात को गर्मा सकता हूं, लौकी ककड़ी तुरई की बेलों के लिए बन सकता हूं माकूल ठंगरा। ठंगरा हमारे ठंगरा, यहाँ सहारे को कहते हैं, बेलों का जो सहारा होता है। अच्छा। लौकी ककड़ी तुरई की बेलों के लिए बन सकता हूं माकूल ठंगरा, काट कर फेंक दो मुझे तमाम उपेक्षाओं के बावजूद, जरा सी मिट्टी और नमी पाकर फिर से खड़ा हो सकता हूं, फैला सकता हूं अपनी भुजाएं, फैला सकता हूं अपनी भुजाएं, खुशी है मुझे शामिल हो सकता हूं पक्षियों के मुक्ति समूह गान में, जी दूर आसमान की उड़ान में तुम नहीं पहचानोगे मुझे, मैं खिनुआ का पेड़ हूं, तुम नहीं पहचानोगे मुझे, मैं खिनुआ का पेड़ हूं। बहुत अच्छा बिंब काम में लिया है। खिनवा के माध्यम से जिंदगी बता दी आपने। जी जी, धन्यवाद। अगली कविता
छुपाना और उघाड़ना। दरअसल कविताओं को लेकर ये कहा जाता है कि कविताएं या चीजों को बहुत संकेतात्मक रूप से कहती हैं, और कलावादी कविताएं इस बात को ज्यादा महत्व देती हैं। तो उस पर ही ये कविता है, छुपाना और उघाड़ना। उनके लिए छुपाना कविता है, मेरे लिए उघाड़ना। उनके लिए छुपाना कविता है, मेरे लिए उघाड़ना। दरअसल दरअसल झगड़ा यहीं से शुरू होता है, वे भाषा में रचनात्मकता चाहते हैं, मैं जीवन में। वे जी भाषा में रचनात्मकता जी चाहते हैं और मैं जीवन में। छोटी छोटी कविता है लेकिन बड़ा मार्मिक, बड़ा गहराई वाली बात करी आपने बहुत सारी। आपको ऐसा लगता है कि इस दौर में पाठकों की कुछ कमी हुई है? अब मुझे लगता है कि जहां तक साहित्य के पाठकों का सवाल है, शायद कोई भी दौर ऐसा नहीं रहा होगा कि बहुत बड़ी संख्या में साहित्य के पाठक रहे होंगे। साहित्य के पाठक हर दौर में एक सीमित संख्या में ही रहते हैं। ये अलग बात है कि जिस संख्या में अभी या जिस औसत से ये कहें कि पढ़ने लिखने वालों की संख्या बड़ी है, उस हिसाब से तो हम जरूर कह सकते हैं कि संख्या बहुत कम है जो साहित्य पढ़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है साहित्य के साथ ये हमेशा से ये बात रही है। हाँ, इधर ये जो मुक्त छंद कविताएं हैं उनको लेकर लोग एक दुविधा में जरूर रहते हैं। उनको लगता है कि ये कविता कहाँ है, या इस कविता को थोड़ा सा पकड़ने में दिक्कत है। वैसे वो संप्रेषणीयता जो छंदबद्ध कविता की, शायद उसकी गेयता के कारण वैसा रहता होगा, जो उसमें रहती है वो मुक्त छंद कविताओं में थोड़ा सा कम होने के कारण। और दूसरा मुझे लगता है जो सौंदर्य बोध का सवाल है, जो काव्य शास्त्र का सौंदर्य बोध हमारा बना है, वो उन कविताओं से बना है जो छंदबद्ध कविताएं रही। आप और हमने पाठ्य पुस्तकों में वही कविताएं पढ़ी जो छंदबद्ध थी, क्योंकि एक लंबा दौर छंदबद्ध कविताओं का रहा। लेकिन अब छंदमुक्त कविताओं को भी बड़ा लंबा समय हो गया है, और धीरे धीरे लोग अब इस बात को समझने भी लग गए हैं कि छंद से बाहर भी कविताएं होती हैं और पढ़ी भी जा रही हैं। सवाल यही है कि आप अपनी कविताओं के माध्यम से कौन सी नई बात कहते हैं? यदि आप कविताओं में नई बात कह रहे हैं, नई स्थापना दे रहे हैं, नए जीवनानुभव ला रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो कविता पढ़ी भी जाती है। बहुत सारे मुक्त छंद के कवि हैं जो आज खूब पढ़े जा रहे हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है, मैं बहुत ज्यादा पूरी तरह से इसमें सहमत नहीं हूं कि बहुत पाठकों की संख्या कम हो रही है। निश्चित रूप से किताबों को पढ़ने वालों की संख्या जरूर कम हो रही है, क्योंकि पढ़ने के अन्य बहुत सारे माध्यम आ चुके हैं। सही है। जी, अब जो प्रिंट के आने के बाद से, इंटरनेट के आने के बाद से, अब लोग किताब की अपेक्षा दूसरे माध्यमों से पढ़ लेते हैं। और मुझे तो सही ये है। भी लगता है कि पढ़ना ज्यादा जरूरी है, वो किसी भी माध्यम से पढ़ा जाए, पढ़ना ज्यादा जरूरी है। जी, सही है। कविता संग्रह में एक लंबी श्रृंखला है, रसोई और मेरा देश। दरअसल एक प्रयोग है यह मेरा, रसोई के माध्यम से मैंने देश की जो स्थितियां हैं उस उनको दिखाने का प्रयास किया है, उन पर अपनी बात कहने का प्रयास। तो लगभग 37 कविताएं इस श्रृंखला में हैं। मैं उस श्रृंखला की एक कविता, एक दो कविताएं यहाँ पर रखना चाहूंगा। कितने सारे रूप, कितने सारे रंग, कितनी सारी गंध, कितने सारे स्वाद, कितनी सारी ध्वनियां बसी हैं रसोई में, लेकिन कभी कोई खड़े नहीं दिखे एक दूसरे के खिलाफ।
कभी कोई खड़े नहीं दिखे एक दूसरे के खिलाफ, मिलकर ही बनाया इन्होंने रसोई को खुशहाल, मिलकर ही बनाया इन्होंने रसोई को खुशहाल। बहुत तो अच्छा, ये देश प्रतीकात्मक की स्थिति पर एक कविता जी। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद बहुत आपका। अच्छी अच्छी कविता सुनी आपसे। धन्यवाद, फिर कभी अवसर मिलेगा जरूर सुनेंगे। नमस्कार।